नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ 29 अगस्त का दैनिक पंचांग लेकर के। आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त और गोली काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह की आज प्रविष्टा है। शरद ऋतु शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। द्वितीय तिथि 3:21 दोपहर तक रहेगी और उसके बाद तृतीय तिथि होगी। आज का वार सोमवार है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 11:04 तक रहेगा और उसके पश्चात हस्त नक्षत्र होगा। बात यदि आज के योग की करें तो आज सात्य योग 1:03 मध्यरात्रि तक रहेगा, उसके बाद शुभ योग होगा। कौलम करण 3:22 दोपहर तक रहेगा और उसके बाद तैतिर करण होगा। राहु काल की बात करें तो सोमवार का राहु काल प्रातः काल 7:33 से लेकर के प्रातः काल 8:09 तक रहेगा और अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर के 12:51 तक का रहेगा मध्याह्न। गोली काल का समय दोपहर 1:51 से लेकर के 3:34 दोपहर तक का रहेगा। किसी भी नए व खास काम को राहु काल में शुरू न करें। अभिजीत मुहूर्त और गोली काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए और गोली काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करना चाहिए। आज का दिशा सूल पूर्व दिशा का है, यानी आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में आज आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो दर्पण में अपने आप को देख करके ही पूर्व दिशा की यात्रा करें। और ध्यान रखें, जब भी आप घर से निकलें यात्रा के लिए उस समय जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा यानी गतिमान स्थिति में हो उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन जरूर करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।